भाई रिमेनिंग अमाउंट था आपका भाई अभी भाई को दे रहा है। टेक दिस, थैंक यू स्ट्रिपलेस। ये भाईजान हमारी रिसीट है और ये बैलेंस था। और अगर मैंने स्टे किया 2 days 3 days मोर सो देन आई विल पे टुमारो मोर अमाउंट टू हिम। सो नाउ क्लियर, ऑल बैलेंस इज क्लियर, स्ट्रिपलेस। चले जी, चलते हैं जरा बाहर। हाँ भाई, होटल से बाहर आपका भाई निकल गया है। मूड बहुत ही प्यारा हुआ है क्योंकि नींद पूरी हुई है ना। मैं जल्दी सो गया था, 1 बजे मैं अपने बेड पर था और बड़ी प्यारी नींद आई। चुड़ली सी चल रहा था, सुकून से सोया हूँ। और सुबह उठा हूँ मैं कोई 10-11 बजे, खुद ही आँख खुल गई, इतना थका हुआ था। तो अभी मैंने पेमेंट कर दी जो भी रिमेनिंग अमाउंट था होटल वाले को। तो जो लड़का था बड़ा प्यारा, और वो अभी बराबर में मस्जिद है ये सामने। तो मैंने सोचा क्यों ना, सोचा क्या, हमारा काम है, हम मुस्लिम्स हैं, सो वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इस्लाम एंड द इंस्ट्रक्शंस एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लाम, हमें तो हर चीज़ को फॉलो करना है। तो और ये चीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त मुझे लगी है, ऑन इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल। तो जी चलते हैं नमाज के लिए, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उसने कहा कि अंदर गोप्रो आपको अलाउ नहीं होगा, तो प्लीज़ अपने बैग में डाल लें इसको। चल के देखते हैं कि वो अलाउ करते हैं या नहीं, बिकॉज आई हैव टू मेक सम वीडियोस मस्जिद के अंदर की। आ जाएं चलते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक। जगह देखें यार, क्या प्लेस है, लवली। मुझे सिम के लिए जगह मिल गई, आए ज़रा सिम देखते हैं। देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ 5 fingers आर नॉट इक्वल। अभी जिस शॉप में मैं गया था ना, तो उसने कहा ब्रदर डोंट बाय। अच्छा, ये लोग थोड़ा सा ना अरबिक जो स्टाइल है टच, उस तरह इंग्लिश बोलते, तो बोलता है ब्रदर यू डोंट नीड टू बाय सिम फ्रॉम हियर, यू जस्ट गो स्टेट 1 kilometer देन टर्न राइट एंड यू विल फाइंड। एक जगह बताई उसने, प्लाजा मार्कंतालिया, बोला इजीली यू कैन बाय सिम बिटवीन 500-600 lira। और यहाँ पे मुझे दे रहा था 2000 lira की, मतलब पाकिस्तानी 20,000 rupees की सिम अंतालिया के अंदर। और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे सिम मिलेगी बिटवीन 500-600 lira, मतलब पाकिस्तानी 5,000-6,000 rupees की। आ जाए, ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा भाई मार्कंतालिया अभी 1 kilometer जाना है, भाई का पेट है बिल्कुल खाली, तो मैंने कहा कुछ खा लूँ कुछ पी लूँ। तो मैंने अभी आपके भाई ने ऑर्डर किया है टोस्ट, और मैंने कहा ज़रा पहले पेट पूजा हो जाए ताकि वॉक कर सके इंसान, खाली पेट तो नहीं कर सकता। तो आइए एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, वीडियोस एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट आल्सो, शेयर भी किया करें, ताकि कोई भी अगर किसी भी कंट्री जाता है जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पर लेकिन उर्दू में शायद ही कम होंगी, शायद ही मौजूद होंगी। तो आ जाए, खाना इंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं मार्कंतालिया। ये इंजॉय करते हैं। ये मुझे पड़ा है 150 lira का, 150 lira, मतलब पाकिस्तानी 1500 rupees का। तो इसी तरह आइडिया आप लगाते जाइएगा प्राइजेस से, ताकि आप लोगों को 2024 में अगर आ रहे हैं तो परेशानी का सामना ना हो, अपना बजट बना के आइएगा। तो आए जी, लेट्स ट्राई। ये जगह है भाई मार्कंतालिया प्लाजा, यहाँ पर आपका भाई आया सिम बाय करने, और इंशाल्लाह सिम ले ही लेंगे। जी वेलकम बैक, फाइनली आपके भाई ने सिम बाय कर ली, 25 GB की मिली है मुझे तकरीबन 1000 lira की। तो आए अभी सिम ली है मैंने, मुनासिब थे, प्राइसेस आर गुड। अगर अंदर वहाँ शहर के जो अगर वहाँ से कंपेयर करें तो बहुत महंगी थी, यहाँ पे बहुत सस्ती मिली मुझे, समझ लें 1000 lira, 950-1000 lira की पड़ी मुझे, पाकिस्तानी 10,000 बनते हैं। भाइयों सिम ले ली आपके भाई ने, और इट कॉस्ट मी 950 lira, और पासपोर्ट अपना दिया है, क्योंकि वो जो टूरिस्ट सिम जो होती है ना वो महंगी एक्सपेंसिव है टूरिस्ट सिम, और जो नॉर्मल यहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए प्राइजेस ये हैं। दोस्तों यकीन जानिए, बना तो बहुत फ्रेश था, ताज़ा था, लेकिन यकीन करें मेरे ऐसे कुछ भी नहीं बिटवीन, इजीली यू कैन गेट योर सिम। फिर बता रहा हूँ कि
शहर के अंदर से वहाँ से मत लीजिएगा, सिटी सेंटर से लीजिएगा, मतलब सिटी सेंटर से लीजिएगा, सिटी सेंटर से दूर मत लीजिएगा, वो आपको कम से कम 1600 1700 1800 की पड़ेगी। तो ये आपके भाई ने अपना मोबाइल दिया है, एंड नाउ शी विल पुट सिम, वो मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, एंड ही इज द ओनर। I am manager. Okay, you are manager. Yes. He's such a nice person and very welcoming. He guided me a lot about Antalya. ये इनकी दुकान है। लैंग्वेज का बैरियर है, आपको अगर लैंग्वेज अच्छी आती है ना, अगर यू स्पीक गुड इंग्लिश सो देन यू कैन सर्वाइव वंडरफुली हियर। ये देखें भाई सिग्नेचर। Yes. No comfort, just for okay, no. I'm just showing to my followers about the procedure. तो दोस्तों एक और एडवाइस आप सबके लिए कि पानी की बॉटल्स, ड्रिंक कुछ भी आपने लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कुछ भी पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो आप इस तरह के छोटे स्टोर से वहाँ जाया करें, बहुत रिजनेबल है यहाँ पे अंतालिया में। ये देखिए ना 8 लीरा की छोटी बॉटल, अब छोटी बॉटल उसने मुझे 30 लीरा की दी थी, देखिए बड़ी बोतल 18 लीरा की। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपने, देख रहे 20 लीरा 20, कितना यहाँ प्राइसेस कम है, 25, 12। वेलकम बैक दोस्तों, चल चल के बुरा हाल, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है अंतालिया में, और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अंतालिया बहुत छोटा सा है, मतलब हमारा जो सिंध में हैदराबाद है, हैदराबाद जितना है, बहुत छोटा है। तो गर्मी की वजह से वापस आई एम गोइंग बैक टू माय होटल, और फिर जो है शाम में मैं अंतालिया से निकलूँगा, और सॉरी अपने होटल से निकलूँगा स्वीट लगुना से, फिर मैं जाऊँगा बीच और एक दो जगहें और हैं, क्योंकि अंतालिया है इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है, तो आप 2 से 3 दिन में इसको पूरा एक्सप्लोर कर लेते हो। अभी मैंने चाय बोली है, चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद आधा घंटा आराम से बैठूँगा, थोड़ी हवा लूँगा, फिर इसके बाद अपने होटल जाऊँगा। और हमेशा मैं ये टिप देता हूँ, लैंग्वेज बैरियर है, पूरे टर्की में लैंग्वेज बैरियर है, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए और ट्रांसलेटर यूज़ करना आना चाहिए, ट्रांसलेटर यूज़ करना आपको आना चाहिए, और लोगों से इंटरेक्ट कैसे होना है ये भी आपको आना चाहिए। और एक रिकमेंडेशन कि अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो 3000 रुपये में अपनी रोमिंग ऑन करवा कर आएँ, तो आपको 2 GB मिल जाता है 3000 रुपये में, 1.5 GB या 2 GB आपको 3000 या 4000 में मिल जाता है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट उतरते हैं, जब आप लैंड करते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होगी, और एयरपोर्ट पर जो एक सिम है इट कॉस्ट यू मोर देन 20,000, 20,000 पाकिस्तानी आपको देने पड़ेंगे, देन यू विल गेट योर सिम। तो इससे बेहतर है कि आप रोमिंग ऑन करवा कर आएँ, अपने जो भी नेटवर्क है आपका, जैज़ है, टेलीनॉर है, यू फोन है, उसका बेनिफिट ये होगा कि एयरपोर्ट पर पहुँच कर, क्योंकि एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे, अगर कोई एयरपोर्ट लेने आया है तो उससे भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा। ये जी चाय है इनकी, शुगर चाहिए आपको तो आप शुगर यहाँ से, शुगर ये चाय है, ये छोटा सा होटल में जाना बैठा हुआ, यहाँ चाय ऐसी होती है, प्यास इतनी लग रही है, गर्मी इतनी है, बस चाय पी के अपने होटल की तरफ, फिर आप लोगों से गपशप लगाता हूँ। अभी मैं जहाँ बैठा हुआ था भाई से मेरी बड़ी अच्छी गपशप हो गई, एंड ही इज़ रनिंग हिज ट्रैवल एजेंसी, तो उन्होंने मुझे बताया अभी कि बोला यार मैं भी अपना डीजे आई अर्न गुड अमाउंट बट इट्स नथिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इतनी है सेम लाइक पाकिस्तान। तो वो मुझे बता रहे हैं कि अगर एक बंदा 20,000 कमा रहा है या नॉर्मल जो है बता रहे हैं, अंतालिया में 80% 70-80% पीपल दे अर्न 20,000-25,000 बस, या ज़्यादा हो गया मैक्सिमम 30,000 or 40,000। तो उसमें से बता रहे हैं कि 12 से 15,000 लीरा दे गिव टू रेंट, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला ले तकरीबन वो बता रहे 5,000 बिल, एंड वाटर गैस
ये सब मिला के तकरीबन जो कमाया वो सब जो है आपके एक्सपेंस में लग जाता है। तो सिचुएशन यहाँ भी ठीक नहीं है और ये अर्दगान को लाइक नहीं कर रहे। मेरी अभी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने यही बताया मुझे कि दे डोंट लाइक अर्दगान द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो पहले पसंद करते थे, अब नहीं करते, पता नहीं क्यों, किस वजह से। वजह यही हो सकती है कि महंगाई, लोग तंग हैं, परेशान हैं। और एक चीज़ और बड़ी प्यारी मुझे इन्होंने बताई कि अपना पाकिस्तान की तरह गाड़ियां जब आती हैं यूरोप से या किसी जापान से तो वो भी यही बता रहे हैं कि इसकी कॉस्ट होती है 10,000 यूरो, 15,000 यूरो। व्हेन इट कम्स टू टर्की तो वो हो जाती है मोर देन 50,000 यूरो, 50,000 यूरो हो जाती है जो गाड़ी 10 से 15,000 यूरो में आ रही है टर्की में। तो बोला 100% टैक्स। अपने होटल आ गया हूँ और थोड़ा मेरा दिल कर रहा था पूल पर लेटने का। अभी जाऊँगा ज़रा अच्छा सा, क्या कहते हैं, थोड़ी स्विमिंग करूँगा, फिर शावर लूँगा। और होटल मेरा बहुत ही प्यारा है, लमीशो यू, दिस इज़ माई होटल, बहुत प्यारा है, इट्स अ लवली प्लेस। यहाँ मैंने स्टे किया हुआ है। तो बस अभी यहाँ से आपका भाई बॉक्सर में अपना लाउंज शॉर्ट्स आते चेंज करके मैं पूल में जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा और इसके बाद फिर अपने रूम में शावर लेके फिर मैं निकलूँगा बीच पर, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ और बहुत कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर आके परेशानी नहीं होगी। वेलकम होम। जी दोस्तों, वेलकम बैक। बाहर से घूम के खाना वाना खा के सिम लेकर थोड़ा एक्सप्लोर करके आपका भाई वापस होटल आ गया था और अभी थोड़ा ठंडा टाइम हुआ है। आई टुक शावर, अच्छा सा तैयार हुआ आपका भाई और अभी मैं जा रहा हूँ बीच पर। और राइट नाउ आई एम इन अंतालिया, एज आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल दैट आई एम इन अंतालिया। और व्यू बाहर का आपको दिखा देता हूँ, मेरे रूम के बाहर का ये व्यू है। ये मस्जिद है सामने, ये नीचे पूल का मंजर है मेरे होटल के। पहाड़ चेक करें। तो जी अब आपका भाई जा रहा है, कुछ खाऊंगा, भूख लगी है। खाना खाने के बाद हारदियान गेट है, वहाँ जाना है। बीच पर जाऊँगा और कुछ एक्सप्लोर करूँगा, चीज़ों के प्राइसेस आपको दिखाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ से शॉपिंग इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, बल्क में करनी है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है और मेरी जो सोशलाइजिंग है वो भी ज़्यादा है, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो सबके लिए मुझे लेना है। सो मैं इस्तांबुल से करूँगा शॉपिंग, अंतालिया में भी है, लेकिन यहाँ से फिर सामान लेकर जाना इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर कराची पहुँचना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मी बिकॉज आई एम सिंगल राइट नाउ, आई एम अलोन डूइंग ट्रैवलिंग। तो आ जाए मेरे साथ, मौसम आपको दिखा दिया, भाई आपका हो गया रेडी और ये अंतालिया में समझ लें आज मेरा लास्ट डे है। कल मुझे इस्तांबुल पहुँचना है तो इंशाल्लाह इस्तांबुल भी पहुँचेंगे अल्लाह के फजलो करम से। अभी चलें, आज की नाइट लाइफ दिखाता हूँ आप लोगों को अंतालिया की और वापस उसी एरिया चलते हैं। क्या नाम था उसका, कलेची, कलेची मैं बताता हूँ आपको, कोई लोग कलेची कहते हैं, कोई कलेची कहते हैं। और हरदियान गेट है वहाँ, वो भी देखना, उस जगह को भी एक्सप्लोर करना है। आ जाए मेरे साथ।